हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी की। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ठाकुर स्वाति ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरी प्यारी सी सुबह हुई इन प्यारे से मिट्टू तोता को देख के। तो बहुत ही प्यारे जो हैं वो हमारे घर के मतलब पास में ही जो पेड़ के ऊपर बैठे थे। सो गाइज़, हम निकल पड़े अपनी धनों को लेके डिपू का राशन लेने, मैं और मेरा भाई। तो हम दोनों जो थे वो स्कूटी में आए और चाची वगैरह जो वो पैदल आ रहे थे, क्योंकि हमारा घर से जो है वो हमारे डिपू काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो गाइज़ बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चेक करो यार यहाँ का व्यू। यहाँ ही है धर्मशाला वाला एरिया, तो चेक करो यार सामने देखो, धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। आंटी अरे रे फोन खड़े कर लेता सरदार। तो फाइनली हम लोग जो है डिपू का सामान लेके आ गए हैं, और अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो रोड है, कोई बात नहीं। कि ये सामान सारा ही वो लेके जा रहा है, मेरे को ये बचा बस। तो अब चलो पैदल पैदल गईस। और रोड कितना गंदा है हमारा, और आज मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है बहुत ख़तरनाक मम्मी से, क्योंकि मेरे को पता है मम्मी बोलती है कि फालतू का खर्चा करती है तू। तो यार जो चीज़ लगनी है वो तो लगनी ही लगनी है यार, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। पर मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है बहुत गंदे वाली, क्योंकि सुबह मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि तू मत जाना क्योंकि तू एक्स्ट्रा खर्चा करती है और जो चीज़ नहीं लगनी वो भी तू लेके आती है। तो यार जो चीज़ लगनी है वो लगनी है यार। बाकी यार थोड़ी बहुत घर घर की चीज़ें थी लाने के लिए वो लेके आई, बाकी डिपू का सामान लेके आए। तो चलो चलते हैं अब। तो सारा सामान सर के ऊपर रख लिया, तो अभी चलते हैं पैदल पैदल। रास्ता बहुत गंदा है हमारा यार, ये वाला तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, मतलब स्कूटी तक तो आ जाती है, बाकी दूसरा वाला तो इतना तो खतरनाक है ना, कसम से बहुत गंदे वाला रास्ता है। तो चलो यार फिलहाल हमारी जीवन गाथा तो ऐसी ही चली रहेगी, जैसे सरकार कोई भी आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जो भी करना है वो हम लोगों ने ही करना है खुद ही। तो चलो रहा जैसे चले वैसे ही सही, बाकी वोट देना सबका अधिकार है तो देते रहो वोट वगैरह। ले फोन कर दिया है, कई संपर्क लेके आए हैं, ले टोकरी खा ले, क्या क्या ने डब्बा खा ले, जल खा लो। और हम लाए हैं अपने फेवरेट वाले गमले, अपने फेवरेट वाले गमले। ओए तूने कैमरा नीचे कर दी सारी, पीड़े और पानी ना आविष्कार हुआ, और ये इसमें हच गई है। देखो गाइस मेरे मस्त वाले गमले कैसे कैसे आए, तो मैं तो आ गया था जे फिर बोल के क्या है बच्चे को लगा होता है ये और से क्या है बच्चे। बस गाइस यही था, और एक ये लेके आई हूं, आ दावन दारे आ दावे इन दारे पीछे का छह तन्या नहीं करा, और 500 बच ने डीव में तरींदा। गाइस देखो ये कैसा पोछा है, ऐसे वाला पोछा, ऐसे वाला पोछा है, ऐसे वाला पोछा है गाइस। मेरे को दूसरा वाला चाहिए था लेकिन वो दूसरा नहीं मिला, बस ऐसे पोछा लगाएं गाइस इसको, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, और बस अभी पोछे लगाना शुरू हो गए। कैसी लगी मेरी शॉपिंग? बहुत अच्छी। फाइनली ये लोग आ गए, ये मस्त वाला गमला है ना, मस्त वाला। तो इसमें डालूंगी मैं पत्ती, पत्ती फिर क्या होता है दो तीन चीजें, नमक के लिए है मेरे पास अच्छा सा। तो ये अभी टूट जाएगा थोड़ी देर बाद, देखना आप गाइस। खिंजे प्रूव करे, प्रूव खिंजे है क्या मन लगन था बेफुक जिक ना जिक के जिक नहीं खुलता है।
आप देखना गाइस कैसे खुलता है जे त्रुटू ना बैपड़ो था अंदर है न। अच्छा तो स्टैंड आ रहा है ना काई तू ऐसे पकड़ मैं इसको लगाती हूँ खींच जा तू ये अभी ये ऐसे बनाए अब ये बने टुकड़े टुकड़े एक ये है एक वो है एक टुकड़ी में स्टैंड ही है लगना कुछ बनने का तो मैं तो दो बननी ना प्लास्टिक है ये रू मैं बोलो नहीं है लगना कुछ गाइस फाइनल लुक इसकी घुमाए ही करे हत्ता तो जजरा दोस्तों मैं आपको एक जादू बताती हूँ। मैंने जो है वो गद्दे के ऊपर पानी फेंक मतलब गिर गया था तो मैंने गिलास के साथ सारा पानी ऐसे कर दिया तो ये मेरे ऊपर देख के हंस रहा था मेरे को और ये भी हंस रही थी चुड़ैल जैसी। तो ये पानी पूरा जो था मैंने पैक करके फेंक दिया। गाइस ये 9 बजे खाते हैं आज इसको 1 बज गए बेचारे को भूख के मारे हमारे घर में आया है ना आज ये भी ढिम गई है इसका भी टाइम हो गया था खाना खाने के लिए कल की बाय कर दी थी 2000 years later. खट्टा खा रहे हो सभी? नहीं उधर पाए? सभी खट्टा खा रहे हैं जाओ। गधे। मम्मी जी, ताई जी। 2000 years later. Desi group. हम ठीक ही चल रहे हैं। ला बैठ ला। चल रहे हैं रेस्ट ना। लोग जाना पैन आखने पंच
अपनी बात ये ला तू लग रही चले चुप रह जा। आज उनकी तब कोई वो होगा टिड्डा टिड्डा ये रे ला।